नमस्कार नेशन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष कुमार। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं बिहार में कुल संख्या जो है आज 443 बताई गई है। बिहार सरकार द्वारा कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या जारी कर दी गई है। आइए जानते हैं किन किन जिलों में कितने कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। बात करें अररिया की तो 4, अरवल में 2, औरंगाबाद में 3, बांका में 6, बेगूसराय में 7, भागलपुर में 14, भोजपुर में 5, बक्सर में 2, दरभंगा में 4, ईस्ट चंपारण में 9, गया में 8, गोपालगंज में 4, जमुई में 1, जहानाबाद में 10, कैमूर में 22, कटिहार में 7, खगड़िया में 1, किशनगंज में 1, लखीसराय में 5, मधेपुरा में 4, मधुबनी में 2, मुंगेर में 6, मुजफ्फरपुर में 23, नालंदा में 7, नवादा में 2, पटना में 237, पूर्णिया में 4, रोहतास में 6, सहरसा में 4, समस्तीपुर में 6, सारण में 9, शेखपुरा में 2, सीतामढ़ी में 9, सिवान में 4, सुपौल में 4, वैशाली में 10, वेस्ट चंपारण में 3। तो ये थी बिहार में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या। आपको बता दें कि बिहार की जो कुल संख्या है वो 463 है। वहीं बिहार की राजधानी पटना में 200 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें नेशन न्यूज़। धन्यवाद।